सत श्री अकाल जी सारिया नूं। अज असी इस टॉपिक दे विच गल करन जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वर्किंग किस तरह है। सो वर्किंग नूं समझण दे लई पहला आप चीज़ देख लीए कि साडे कोल इहदे विच कंपोनेंट्स कहड़े कहड़े लगे हुए हैं। तो सब तो पहला आप देख पा रहे हैं जी, साडे कोल इहदे विच बेसिकली कंपोनेंट्स कहड़े कहड़े ने। फर्स्ट वन इज़ कंप्रैसर, कंप्रैसर तो बाद कंडेंसर, कंडेंसर तो बाद रिसीवर है जिहड़ा कि एक रेजरवायर का भी काम करता है। उस तो बाद है एक्सपेंशन वाल्व, नैक्सट इज एवेपोरेटर। और इसी तरह ही जिवें इहदे विच एक साइकिल दे विच काम होएगा उवें साइकिल बाय साइकिल साडा सारा चलता रहेगा टर्न बाय टर्न। तो सब तो पहला देखते हैं जी इहदे विच की होएगा। सो इहदे विच असीं एक रेफ्रिजरेंट यूज करांगे जो साडा एक मीडियम होएगा जो एक जगह तो हीट नूं रिमूव करके दूसरी जगह पर जिथे नहीं रिक्वायर्ड उस जगह पर रिमूव कर देगा सिस्टम के विचों। सो सब तो पहला देखते हैं जी, असी कोई रेफ्रिजरेंट लिया। रेफ्रिजरेंट हुण असी इनिशियल पॉइंट ते मान के चलते हाँ कि साडी कंडीशनस है, दैट इज 111, जिस जगह ते मैं इत्थे कुछ डिनोट किया हुआ, दैट इज P1, V1 एंड T1। इत्थे P1 है साडे कोल, दैट इज प्रेशर 1, वॉल्यूम 1 एंड टेंपरेचर 1, कि जो असी इत्थे रेफ्रिजरेंट यूज किया है उस रेफ्रिजरेंट का फर्स्ट पॉइंट के उत्ते साडे कोल जो प्रेशर है, टेंपरेचर है एंड वॉल्यूम है, वो असी वन कंडीशन के उत्ते ले लिया और उसनों सक्शन लाइन के थ्रू असी कंप्रैसर दे विच भेज दिता और कंप्रैसर ने उहदे ते कुछ वर्कआउट किया और जिस विचों उसने उसका प्रैशर वधा दिता, टेंपरेचर वधा दिता एंड उसका वॉल्यूम जिहड़ा सी घट गया। डिस्चार्ज लाइन ते जदों उसनों आउटपुट देवेगा और उस जगह ते असी नोट किया कि असी जो कंप्रेसर का आउटपुट से उत्थे साडा प्रेशर वध गया, टेंपरेचर वध गया, वॉल्यूम घट गया और जो इत्थे साडे कोल रेफ्रिजरेंट की कंडीशन होएगी, जो उहदा फेस होएगा, दैट विल बी इन द वेपरस फॉर्म। सो वेपरस फॉर्म दे विच उह एंटर करेगा, जिन्हों इत्थे भी लिखा है, दैट इज जो रेफ्रिजरेंट है वह गैसिस फॉर्म दे विच रहेगा। इस सिस्टम नूं इत्थे मैं वर्टिकली अगर देखा तो दो फेसिस दे विच डिवाइड किया है, दैट इज राइट साइड एंड लैफ्ट साइड। राइट साइड के जिन्हें भी मेरे को हिस्सा है इस सारे का सारा इस दे विच मेरे को वेपरस रेफ्रिजरेंट होएगा और लैफ्ट साइड के उत्ते मेरे को लिक्विडस रेफ्रिजरेंट होएगा, उसका फेस चेंज होएगा। इट मीनस जो ये वेपरस फॉर्म तो रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म के विच चेंज हो रहा वह कितने हो रहा जी, कंडनसेशन प्रोसैस तो बाद। और वह प्रोसैस कौन करेगा, दैट इज कंडेंसर। कंडेंसर ने असं किया कि इस जगह की जो लेटेंट हीट सी उसनों अब्जॉर्ब कर लिया और उसनों सिस्टम दे विचों रिमूव करता। मतलब कहण ता कि जो रेफ्रिजरेंट कंडेंसर दे विच आ रहा है उस दे विच कुछ ना कुछ हीट है, उस दी हीट नूं अब्जॉर्ब करके सिस्टम दे विचों बाहर कढ़ दिता। सो कंडेंसर ने रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज करता फ्रॉम वेपरस टू लिक्विड। और जो ये कंडेंसर है ये साडे कोल जो कूलिंग सिस्टम दे वांगू काम कर रहा है और ये अपने कोल एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड हो सकता है। इसकी जो आउटपुट होएगी उत्थे असी देख रहे हैं साडे कोल हुण मिलदा पिया है, दैट इज लिक्विड। और जिवें ही आउटपुट असी चैक की थी, इस जगह पर असी चैक किया कि जो वॉल्यूम सी उहदे विच कोई चेंज नहीं आया, टेंपरेचर जो है उहदे विच भी असी थ्रोटिकली पढ़ते हाँ कि उसदे विच कोई चेंज नहीं आएगा और प्रेशर दे विच भी कोई चेंज नहीं होएगा, क्योंकि इस सिस्टम दे विच हुण इस पर्टिकुलर जगह ते असीं सिर्फ उस रेफ्रिजरेंट दी लेटेंट हीट नूं रिमूव कीता है, सेंसिबल हीट नूं असीं नहीं टच कीता। सो इसे तो जो आउटपुट मिलिया वह साडा गया सीधा रिसीवर दे उत्ते। रिसीवर दे विच और स्टोरेज टैंक का भी काम करता है, वो स्टोर करके रहेगा और जिन्नी क्वांटिटी दी, जिन्नी मात्रा दी एक्सपेंशन वाल दे उत्ते लोड है उन्नी मात्रा अगे वह सप्लाई करता रहेगा टाइम टू टाइम। सो एक्सपेंशन वाल जिवें कि नाम ही दस रहा है कि इस जगह पर साडे कोल जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है रिसीवर तो बाद उसनों एक्सपेंड करके फरदर अगे भेजेगा, जिस विच असी देखांगे कि साडा जो प्रेशर सी वह भी घट गया, टेंपरेचर घट गया, वॉल्यूम मेरा वध गया। सो इस दे विच असी ईजीली देख पा रहे हैं कि एक्सपेंशन वाल दे विच असी कुछ इस तरीके का प्रोसैस अचीव किया कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट असी पिछों आया साडे कोल रिसीवर तो बाद उहदे विच असी प्रेशर घटाता, टेंपरेचर घटाता एंड वॉल्यूम इनक्रीज करवाता।
और इहदे विच साडे कोल एक्सपेंशन होने तो बाद कुछ अमाउंट दे वेपरस पार्टिकल्स भी कई बार रह जाते हैं, तां करके इत्थे लिखा है दैट इज लिक्विड रेफ्रिजरेंट प्लस वेपरस फॉर्म के कुछ रेफ्रिजरेंट्स होंगे जो कि इस जगह पर ही जिवें ही एक्सपेंशन होया एक्सपेंशन होने तो बाद ओहो वेपरस फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो गया इवेपोरेशन करके। जदों ये प्रोसैस होएगा तो इत्थे ऑलरेडी ही साढ़े कोल कुछ ना कुछ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो चुकिया है इवेपोरेशन दे करके। नैक्सट साडा इवेपोरेटर आ जाता है, जिवें ही साडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा इवेपोरेटर दे अंदर वो पर्टिकुलर स्पेस है जिथे असी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। सो इस सिस्टम दे विच इस कंपोनेंट दे विच असी की करते हैं रेफ्रिजरेंट जिवें ही एंटर किया इसने पर्टिकुलर स्पेस की लेटेंट हीट नूं अबजॉर्ब कर लिया और जिवें ही किसी चीज़ नूं हीट नूं अबजॉर्ब करेगा तो की होएगा जी उसका लीक्विड जो फेस सी वह वेपरस फेस दे विच कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके दे नाल ही साडे कोल जो लीक्विड रेफ्रिजरेंट सी वह वेपरस दे विच कन्वर्ट हो गया आउटपुट के दौरान इवेपोरेटर तो और वह वेपरस फॉर्म फरदर अगे कंप्रैसर से मूव करगी। इस तरीके दे नाल ही साडा साइकल बाय साइकल रेफ्रिजरेंट मूव करता रहेगा और यही प्रोसैस के थ्रू साडे कोल इवेपोरेटर दे विचों हीट नूं टर्न बाय टर्न साइकल बाय साइकल हीट नूं लेटेंट हीट नूं अबजॉर्ब करता रहेगा और कूलिंग इफेक्ट इस पर्टिकुलर स्पेस से पैदा होता रहेगा। इस सिस्टम दे विच तुसी देखोगे इत्थे एक लाइन प्लॉट की है होरिजोंटली जो कि इस सिस्टम नूं दो प्रैशर साइड्स दे विच डिवाइड करती है। असी देखते हाँ कि कंप्रैसर तो बाद एंड एक्सपेंशन वाल तो पहला साढ़े कोल सारे का सारा हाई प्रैशर है एंड इस एक्सपेंशन वाल तो बाद एंड कंप्रैसर तो पहला साढ़े कोल लो प्रैशर साइड है। इस तरीके दे नाल ही इसनों दो पासों दे विच प्रैशर दे अकॉर्डिंगली डिवाइड करता एंड लैफ्ट राइट इसनों लीक्विड ते गैसेस फॉर्म दे अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है। सो इस दे नाल ही मैं उम्मीद करदा तुसी इस डायग्राम नूं ईजीली समझ चुके होंगे। धन्यवाद जी।